वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आर चैनल सी सी मंत्रा एजुकेशन अजमेर आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज ऑफ क्लास ट्वेल्थ यूनिट थ्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमारे पास है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर जो ट्वेल्व मार्क्स की यूनिट है और उसके अंदर आज हम पहला कॉन्सेप्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड का तो ले स्टार्टेड आज आज हम जो कवर करेंगे दैट इज एग्रीगेट डिमांड तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड सो फार आप लोगों ने डिमांड किया होगा द डिमांड वॉज कमोडिटी स्पेसिफिक जब हम लोगों ने इलेवेंथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा था तो वो था कमोडिटी स्पेसिफिक एक कमोडिटी की डिमांड से फॉर कमोडिटी एक्स की डिमांड यहाँ जब हम बात करते हैं एग्रीगेट की एग्रीगेट अपने आप में स्पेसिफाई कर रहा है क्या टोटल तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी टोटल डिमांड की द एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसिडर करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन uh, को कंसिडर नहीं करते हैं. बाई ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स जो भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ओफिन इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड वी नो अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च तो ओफिन इन एन अकाउंटिंग ईयर ए डी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज वॉट पीपल प्लान टू स्पेंड प्लान टू स्पेंड का मतलब है कि ये हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ये हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है तो हमें ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड में वी हैव टू राइट इट कि इट इज द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन प्लान टू स्पेंड एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम इनकम के अलग अलग लेवल्स पर जो खर्चा करने को तैयार है या जो खर्चा होने वाला है दैट इज द एग्रीगेट डिमांड अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने अपनी नेशनल इनकम की यूनिट के अंदर किया था कि देर आर बेसिकली फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी किसी भी इकोनॉमी में हम चार इकोनॉमिक सेक्टर्स लेते हैं ये हैं कंज्यूमर्स या जिन्हें हम हाउस होल्ड्स कहते हैं फिर हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स फिर गवर्नमेंट और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम अब्रॉड भी कहते हैं तो बेसिकली यदि हम इनकी डिमांड के टाइप्स के बारे में बात करें तो कंज्यूमर्स की जो डिमांड आती है द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर एट टाइम्स तो दिस इज डिनोटेड एज सी प्रोड्यूसर्स की जो डिमांड आती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इस इन्वेस्टमेंट में आपको याद होगा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोगों ने किया था कि इस इन्वेस्टमेंट में द फाइनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर ऑन क्रिएशन ऑफ फिक्सड सेवर्नमेंट आता है On public works, so this is I. Government ka jo expenditure hai, that is government final consumption expenditure, which is often written as G, and rest of the world is exports minus imports, yeah, net exports. तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो हमारे पास आता है इज़ द सम टोटल ऑफ यदि हम वापस अपनी देखें तो इट इज़ द टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स बाय ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स ने जो डिमांड की उसका टोटल तो जो सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स ने डिमांड की है द डिमांड बाय ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड एज सी आई g एंड x माइनस एम तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम एंड दिस इज वन मार्क क्वेश्चन ऑल्सो वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स इट क्या है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पूछा भी जा चुका है सी बी एस ई में What are the components of aggregate demand? The components of aggregate demand are private final consumption expenditure, investment expenditure, government final consumption expenditure, and net export. So these are the components of the aggregate demand. Then we have the investment. Investment, hum hai, it is the एक्सपेंडिचर मेड ऑन द क्रिएशन ऑफ दी फिक्सडसेट्स फिक्स असेट्स को क्रिएट करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन्हेंसेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन यदि इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसी भी इकोनोमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी सो इन्वेस्टमेंट इज द क्रिएशन ऑफ द फिक्स्ड असेट दैट इज द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द क्रिएशन ऑफ फिक्सडसेट्स बेसिकली द इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न एज और एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन के चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल से हम इसे डिनोट करते हैं यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बेसिकली दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दीज इन्वेस्टमेंट्स आर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है लेवल ऑफ इनकम के साथ दैट मीन्स कि इनकम का लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इनकम का लेवल कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी दैट मीन्स इंड्यूस्ड नाम से पता चल रहा है इंड्यूस्ड है मोटिवेटेड है एंड द मोटिवेशन ऑफ सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द इनकम तो इसका मतलब ये है कि यदि इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और इनकम ज़ीरो होगी तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगा इंड्यूस्ड है इंड्यूस्ड दैट इज इंड्यूस्ड विद द लेवल ऑफ इनकम इनकम के साथ एसोसिएटेड है यदि हम इसके कर्व की बात करें है ना कर्व की बात करते हैं इनकम विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सेस इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन ऑन वाई एक्सेस हमने दो अलग अलग पैरामीटर्स ले लिए हैं अब इनकम सपोज करो अपने पास ओ वाई है ओ वाई वन है ओ वाई टू है इन्वेस्टमेंट है ओ आई एट ओ वाई जैसे ही लेवल ऑफ इनकम ओ वाई वन हुआ देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी से फॉर आई वन इनकम बढ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया फिर इनकम बढ़कर हो गई हमारे पास ओ वाई टू द इन्वेस्टमेंट राइजेस टू ओ आई थ्री तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ओ आई थ्री हो जाएगा दैट मीन्स एज द लेवल ऑफ इनकम हैज राइजन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो राइजेज इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है इनक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है जब हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तीनों कब्ज को तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं वी हैव दी इन्वेस्टमेंट कर्व हमारे पास क्या आएगा इन्वेस्टमेंट करव आएगा और आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम जीरो जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है जिसका मतलब है इफ़ देयर विल बी नो इनकम देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जबकि जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम दैट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम इनकम चाहे बढ़े इनकम चाहे कम हो इनकम चाहे जीरो सभी लेवल पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा और जब कांस्टेंट है तो हम इसे आई बार से रिप्रेजेंट करते हैं सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यदि हम इसे डायग्रामेटिकली शो करें तो वी विल बी टेकिंग वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम ऑन एक्स एक्सेस सेफ फॉर वाई वाई वन वाई टू बट द इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहेगी और चाहे जीरो पर है तो भी उतनी ही रहेगी इसका मतलब है दैट इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम सभी लेवल्स पर ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट है तो द इन्वेस्टमेंट कर्व इन दिस केस विल बी अ हॉरिजोंटल लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस स्ट्रेट हॉरिजोंटल लाइन होगी जो एक्स एक्सेस के पैरल होगी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इनडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम यानी कि चाहे लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विल भी देर इन द इकोनमी वो होगा ही होगा नाउ जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट किन चीजों पर डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप क्या शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स डिटर्मिनेट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इकोनॉमी में बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड एम ई आई इन दोनों के फंक्शन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों क्या होते हैं चलिए डिस्कस करते हैं मैं दो सेक्शंस बना रही हूँ इसके सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ आर आर इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आर का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि सपोज करो मैंने एक लाख रुपया मार्केट से लिया है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट तो टेन परसेंट विल बी टर्म्ड एज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अब सपोज करो कि वो टेन परसेंट से बढ़कर फिफ्टीन परसेंट हो जाए तो मैं बोरो कम करूंगी एंड इफ आई वुड बोरो लेस द इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो भी लेस और यही ये टेन परसेंट से सेवन परसेंट हो जाए तो आई विल बोरो मोर एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी मोर तो इसका मतलब ये है कि यदि रेट बढ़ता है रेट बढ़ता है तो बोरोइंग्स कम बोरोइंग्स कम्स तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा दूसरी तरफ यदि रेट कम होता है तो बोरइंग्स ज़्यादा और बोरइंग्स ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड इसका मतलब है कि ये क्या है इन्वर्सली रिलेटेड है रेट के बढ़ने के साथ बोरोइंग्स कम होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगी और रेट के कम होने के साथ बोरोइंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी दूसरी तरफ हमारे पास आता है एम ई आई एम ई आई इज इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ एम ई आई दिस इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मैं लगा रही हूँ सपोजिंगली मैंने वन लाख का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे उस पर क्या अर्निंग्स हो रही हैं दिस इज द रिटर्न्स ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकॉनमी इकोनॉमी में जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उन पर जो रिटर्न्स हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अब यदि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोजिंगली मैंने वन लाख का इन्वेस्टमेंट किया और मुझे टेन लैक्स की अर्निंग हो रही है तो आई विल बी इन्वेस्टिंग मोर तो मैं इन्वेस्टिंग क्या इन्वेस्टमेंट क्या करूँगी ज्यादा करूँगी एंड इफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस यानि कि मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट जो मैं करने वाली हूँ उससे मुझे मिलने वाले रिटर्न कम होंगे तो मैं क्या कर दूँगी इन्वेस्टमेंट भी कम कर दूंगी तो द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा दैट मीन्स इट हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप इसका मतलब है इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप है अब हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा है बिकॉज एट टाइम्स सी बी एस ई में वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब होगा एंड देर आर फोर ऑप्शन गिविंग टू यू सपोजिंगली एम आई ई इज लेस देन आर एम आई ई इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू आर सपोजिंगली नन ऑफ द दब सपोजिंगली ये चार ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ लेगा प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ लेगा प्रोड्यूसर विल टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहां पर रेट इसका मतलब है कि सपोजिंगली यानी कि उसकी अर्निंग्स हो रही है टू लाख रुपीज की एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स टू हिम इज सपोजिंगली फिफ्टी लैक्स या फिफ्टी थाउजेंड सॉरी जो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ रही है वो कितनी आ रही है फिफ्टी थाउजेंड आ रही है तो इस केस में भी उसने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट अर्न कर लिया है तो इसका मतलब है कि यदि उसको मिलने वाली अर्निंग्स उसके द्वारा दी जाने वाली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज्यादा है पेमेंट से ज्यादा है तो वो क्या करेगा उस स्टेज पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा सो so, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा सेकेंड वाला दैट इज एमईआई इज ग्रेटर देन आर फिर हमारे पास आता है फिर हम वापस आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट पर एग्रीगेट डिमांड हमने किया कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लेकिन चैप्टर में फिर आगे जाने से पहले हमें कुछ एजम्पन्स को लेकर चलना होगा तो वो एजम्पन्स क्या है द फर्स्ट एजम्पन इज मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ ए डी इज इक्वल टू हम कहते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन अब हमारा पहला एजम्पन है इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी जो है क्लोज है क्लोज का मतलब क्या है इट डज़ नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानि कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है जब किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स नहीं होंगे देर विल नीदर भी एक्सपोर्ट्स नॉर भी इम्पोर्ट्स तो हमने कहा अब ये एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हमने यहाँ से हटा दिए इसका मतलब हुआ कि अब मेरे पास बचा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ये बचा अब नेक्स्ट क्या कहता है देर इज नो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर नेक्स्ट कंजम्पन तो कह देती है कि भाई हमारा फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं है यानी कि फाइनल गवर्नमेंट कंजम्पन एक्सपेंडिचर भी नहीं है यानी कि गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पेंडिंग ऑन दी कंजम्पशन एक्टिविटीज़ ये हमने एज्यूम कर लिया गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्टिविटीज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर पे किया गया खर्चा और सब्सिडीज पर किया गया खर्चा तो गवर्नमेंट उस तरीके का कोई खर्चा नहीं कर रही है देन नेक्स्ट इज अब हमारे पास क्या बचा ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई अब हमारे पास केवल ये बचा लेकिन इसमें भी एजम्पन है कि दर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनोमी इकोनॉमी में केवल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये भी कौन सा है कॉन्स्टेंट वाला इन्वेस्टमेंट है हमने दो इन्वेस्टमेंट किए थे अभी इंड्यूज और ऑटोनॉमस कौन कौन से किए थे इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किए थे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है आपको याद होगा हमने अभी भी किए थे इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस और मैंने आपको कहा था ऑटोनॉमस इज कॉन्स्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड विद आई बार तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई बार से एंड दैट इज वॉट इट इज़ हियर कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा है आई बार वाला ही है ऑटोनॉमस ही है तो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो बच जाता है वो क्या है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई बार अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अभी तो कह रहे थे कॉम्पोनेंट्स इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट्स की बात करें ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यस यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पोनेंट पूछने का तो नो no डाउट हमें कॉम्पोनेंट में ये चारों कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं ठीक है हमें कॉम्पोनेंट में ये चारों कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है लेकिन जब हम इस चैप्टर को फर्दर करेंगे तब तो हम ये मानते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई बार ही है एग्रीगेट डिमांड विल बी टेकन एज कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ओनली अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कंजम्पशन से रिलेटेड अभी तक हमने अजम्पन्स करी इकोनॉमी क्लोज्ड है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स हैं कंजम्पशन से रिलेटेड और हम कहेंगे हाँ है सबसे पहला फैक्ट जो है कंजम्पशन का कि इनकम का लेवल यदि जीरो हो तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता देर ऑलवेज रिमेन्स सम लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनमी इवन वेन द इनकम इज जीरो और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास कोविड नाइनटीन का है कि लोगों के पास इनकम नहीं थी लॉकडाउन हो गया इनकम नहीं थी तो क्या कंजम्पन स्टॉप हुआ नहीं हुआ क्यों क्योंकि इनकम इज जीरो पहला जो फैक्ट है दैट इज कंजन इज ने इक्वल टू जीरो कभी भी जीरो के इक्वल कंजम्पशन नहीं होता इवन व्हेन इनकम इज जीरो राइट और इनकम जीरो है और जो कंजम्पशन जीरो है सच काइंड ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज इस तरीके के कंजम्पशन को जो जीरो लेवल पर होता है इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन ध्यान रखेंगे हम इसे कि हम इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज सी बार हम इसे सी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला फैक्ट कंजम्पन कभी भी ज़ीरो नहीं होता और लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास कोविड नाइन्टीन का है सेकेंड इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो ये कि इनकम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ती चली जाती है लेवल ऑफ कंजम्पन ऑल्सो राइजेस कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ता जाता है दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पन भी क्या होगा बढ़ेगा तो ये दो फैक्ट अब हमें एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड याद रखने हैं कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा चाहे इनकम जीरो हो दैट मीन्स देअर रिमेन सम ऑटोनोमस कंजम्पशन यहाँ पर हमेशा क्या रहता है कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पन सी बार रहेगा सो नाउ वी विल बी डूइंग एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल एंड द कर्व ठीक है और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन हम इसके अंदर फर्दर करेंगे वी विल टेक वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड के लिए किया था कि ये वो डिमांड है विच पीपल आर प्लानिंग टू डू एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ध्यान रखेंगे हम आगे भी इन्हीं लेवल्स को कंसिडर करके चलेंगे ठीक है हम जानते हैं अभी अभी हमने किया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई बार एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या आता है सी प्लस आई बार आता है दैट इज कि कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने किया था कि इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल्स बी द लेवल इज जीरो तो इसका मतलब है कि ये सभी लेवल्स पर क्या होने वाला है कॉन्स्टेंट होने वाला है सभी लेवल्स पर सेम रहेगा कंजम्पशन के लिए हमने दो फैक्ट्स अभी अभी किए थे दैट द कंजम्पशन इज नेवर जीरो इवन एट जीरो लेवल तो ज़ीरो लेवल ऑफ़ इनकम पर भी कुछ कंज़म्पशन रहेगा द पीपल विल यूज़ देयर पास्ट सेविंग्स टू कंटिन्यू द कंजम्पशन तो सपोजिंगली हमने कह दिया ज़ीरो पर टेन है देन टेन पर सपोजिंगली राइज टू फिफ्टीन क्योंकि हमने दूसरा फैक्ट भी किया था कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंज़म्पशन बढ़ता है तो इनकम बढ़ी तो कंज़म्पशन बढ़ा एंड सो ऑन द कंजम्पशन राइजेस और इस तरीके से कंज़म्पशन जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी इनकम जीरो से टेन हुई टेन से ट्वेंटी हुई ट्वेंटी से थर्टी हुई फोर्टी हुई एंड सो ऑन द कंज़म्पशन हैड राइज कंज़म्पशन बढ़ता गया नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एग्रीगेट डिमांड अब हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई बार हमने अभी किया सी प्लस आई बार के क्वल है तो फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी फाइव फोर्टी एंडी फाइव इज द एग्रीगेट डिमांड वी हैव कैलक्यूलेटेड अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी एग्रीगेट डिमांड कर्व की अब हम ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व तो लेट्स डॉ दी एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व को करने के लिए वी विल बी टेकिंग द इनकम ऑन एक्स एक्सेस एंड तीनों चीजें कौन कौन सी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड को हम लेंगे भाई वाई एक्सेस पर ठीक है तो चले टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी आर द वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम एंड यहाँ हम मेजरमेंट ले लेते हैं किसका टेन टेन का ले लें फाइव फाइव का ले लेते हैं फाइव का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो टेन का लेते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ये हमने मेजरमेंट ले, ले लिया एंड डोंट फॉर्गेट कि हम लोग यहाँ पर तीनों चीज़ों को दिखाएंगे सी आई और एग्रीगेट डिमांड को तो यदि इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं हम लोग तो जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर हैविंग इज फाइव तो फाइव कहीं यहाँ पर होगा एंड दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी पैरल टू एक्स एक्सेस इन्वेस्टमेंट कर्व हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सेस के पैरल होगा और जो ये यहाँ से डिफरेंस आ रहा है जीरो से लेकर और इस कर्व तक का जो डिफरेंस आ रहा है ये जो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं दिस डिफरेंस इज़ टर्म्ड एज आई बार आई बार यानी कि कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट देन फिर हम करेंगे क्या कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द हम देख रहे हैं कि जीरो लेवल पर द कंजम्पशन इज टेन इनकम राइजेस टू टेन इट इज फिफ्टीन ट्वेंटी पर ट्वेंटी थर्टी पर इट इज ट्वेंटी फाइव देन फोर्टी पर थर्टी फिफ्टी पर थर्टी फाइव एंड सिक्सटी पर राइज टू फोर्टी द कंजम्प्शन कर्व स्टार्ट अबव दी ओरिजिन ओरिजिन से ऊपर से ये स्टार्ट होता है और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है इस डिफरेंस को हम कहते हैं ये हमें आगे तक काम आएगा आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ज़ीरो जहाँ ओरिजिन से, से और जहाँ से कंजम्पन कर्व ओरिजिनेट हो रहा है दैट पॉइंट इज नोन्ट को हम सी बार से डिनोट करते हैं अब हमारी टर्न आती है एग्रीगेट डिमांड की द एग्रीगेट डिमांड कब टेन पर द एग्रीट डिमांड इज फिफ्टीन जीरो पर सॉरी जीरो पर इट इज फिफ्टीन टेन पर इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी पर इट इज ट्वेंटी फाइव थर्टी पर थर्टी थर्टी पर ये हमारे पास कितनी है थर्टी है फोर्टी पर थर्टी फाइव देन फिफ्टी पर फोर्टी एंड सिक्सटी पर इट इज फोर्टी फाइव सो द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑल्सो एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ये भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाई एक्सेस वाई एक्सेस से ये ओरिजिनेट होता है ठीक है तो अब हम यहां पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को करते हैं एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे ताकि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को कर सके क्विकली इनकम सी आई और ए डी विल बी टेकन ऑन वाई एक्सेस विल बी ड्राॅइंग द कर्व द इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ अरेजोंटल लाइन पैरल टू एक्स एक्सेस ये जो पॉइंट है हमारे पास है आई बार द कंजम्पन स्टार्ट ओरिजिन ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा दिसमांड कर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लो ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ए डी करव इज पैरल टू कंजम्पन कर एडी का जो करव होगा वो कंजम्पन कर के पैरेलल होगा क्यों होगा पैरेलल का मतलब होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स रिमेन कांस्टेंट दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं जब वर्टिकल डिस्टेंस कॉन्स्टेंट एंड वी नो ए डी माइनस सी क्या होगा आई डी माइनस सी आई होगा क्यों क्योंकि एडीज इक्वल टू सी प्लस आई बार है राइट right? तो जब हम सी को वहां ले जाके माइनस करेंगे तो एडी माइनस सी आई बार एंड आई रिमेन्स कॉन्स्टेंट सोस इट इज कि विल बी प्रूवील टू कंजम्पशन कर इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है एग्रीगेट डिमांड का आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच